जय श्री राधे कृष्ण साथी, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी की सभी बहनों को अनंत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कब करें? अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें? एक तो मुट्ठी सत नजा यानी सात प्रकार के अनाज को किस प्रकार पूजा में शामिल करें और बच्चों की खुशहाली के लिए क्या करें, सरल पूजन विधि, समस्त जानकारी लेकर एक ही वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ अहोई अष्टमी की, मैं बात कर रही हूँ माता पार्वती के स्वरूप, अहोई रूप के स्वरूप की पूजा की। मैं बात कर रही हूँ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की। ये कब है? ये 24 अक्टूबर को पूरे दिन अष्टमी है, गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, स्वार सिद्ध योग रवि योग में इस बार अहोई अष्टमी का व्रत आ रहा है। बहुत शुभ संयोग में अहोई अष्टमी का व्रत है। महिलाओं को पूरे दिन व्रत रखना होता है अपने संतान के दीर्घायु के लिए, अपने संतान की खुशहाली के लिए, अपने संतान की कामयाबी के लिए महिलाएं इस व्रत को किया करती हैं। जिनके संतान नहीं होती उन्हें भी इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए और उसके लिए एक उपाय बताऊंगी कि अहोई माताओं को क्या आप अर्पित करेंगे जिससे कि आपकी जो है वो पूजा सफल हो जाए और अगले साल आप बच्चे को गोदी में लेके अहोई की पूजा करें। अब सरल विधि बताऊंगी। अब पूजन का शुभ मुहूर्त भी पहले ही बता दे रही हूँ कि किस समय पूजन का शुभ मुहूर्त है। 5:48 से लेकर 6:58 तक, या सीधे शब्दों में बोलो 6:45 तक आप जो है इस पूजा को कर सकती है। तारों की छाव में पूजा की जाती है। तारों को जो अर्घ देने का समय 6:06 से प्रारंभ हो जाएगा। आप जब भी पूजा करें उसके बाद तारों को अर्घ दे सकते हैं। तो ये हो गया। अगर कोई चंद्रमा का रखते हैं कोई कोई लोग, तो चंद्र तो देवता जो है वो इस समय बहुत देर से आते हैं, बहुत आराम से आते हैं, यानी कि कहूँ तो मम्मियों की परीक्षा लेते हैं। 11:42 पर चंद्र उदय होगा अगर आपके यहाँ चंद्रमा की अहोई होती है तो। वैसे तारों की होती है, किसी किसी के यहाँ सूरज की भी होती है। तो ये था अहोई अष्टमी का पूजन का मैंने मुहूर्त बता दिया किस समय श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में बैठकर आप अपने बच्चों को साथ में लेके कथा कहेंगे। कथा के बिना अधूरा होता है सारा व्रत, आपको मालूम है। अहोई अष्टमी के पूजा की सरल विधि बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ अहोई अष्टमी का कैलेंडर है, आप लगाती हैं प्रतिवर्ष, तो वो कैलेंडर नया लेकर आइए। अगर करवा चौथ की कैलेंडर में भी इधर अहोई बनी रहती है उस पर करती हैं, तो आपने मढ़वा के रखा है तो जिस भी तरह रखा है वो रखिए। एक डबल जेगड़ जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जेगड़ बोलते हैं, मिट्टी का एक मटकी होती है, उसके ऊपर एक करवा होता है वो रखा जाता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है, उसमें कलावा बांधे, उनमें स्वास्तिक लगाए और सॉरी अहोई माता की तस्वीर लगाने के बाद आप उसके आगे अनाज रखा जाता है, मूली रखी जाती है, सिंघाड़े रखे जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो इस तरह से रखा जाता है, आपके यहाँ जो भी रखा जाता हो वैसे अनाज जरूर रखा जाता है। किसी भी तरह रूप में रखें, आटे के रूप में रखें या गेहूं के रूप में रखें, ये रखा जाता है। एक कलावा लेके, 8 तार का कलावा लेके उसकी माला अहोई अष्टमी को पहनाई जाती है। कलावे की ही माला पहनाई जाती है। जेगड़ भी बनती है, चांदी के मोती डलते हैं और यहाँ स्याऊ माता की तस्वीर होती है, ठीक है। जितने बच्चे होते हैं हर बच्चे के नाम के दो दो मोती यहाँ बढ़ते रहते हैं, डलते रहते हैं। अगर आपके संतान नहीं है किसी वजह से तो भी आप 2 मोती डलवा के वो चांदी की जो स्याऊ है, स्याऊ माता की, वो बाजार में खूब मिलती है ज्वेलर के यहाँ, वो बना के कलावे में बांधकर अपनी जेगड़ को सुबह ही पहना दीजिएगा जिस समय आप व्रत का संकल्प लेती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो सुबह की तैयारी, हम 2 जेगड़ भर के रखेंगे कलावा लगा के और मैं स्वास्तिक बनाकर उसमें जेगड़ पहना के और अहोई माता को कलावे की माला पहनाकर उसके आगे अनाज इत्यादि रख के व्रत का संकल्प व्रत का हम ले लेते हैं। वैसे तो ये व्रत कुछ स्त्रियां निर्जला भी रखते हैं, लेकिन इसमें कोई कुछ जगह निर्जला व्रत नहीं भी रखा जाता, वो आप अपना देख लीजिए। सामर्थ्य है तो निर्जला रखिए, नहीं सामर्थ्य है तो फिर निर्जला व्रत मत रखिए, कोई बात नहीं, भगवान का हाथ जोड़िए, जितना हो जाए उतना करिए। पीरियड में आप व्रत रखेंगे पूजा नहीं करेंगे, सूतक में पातक में व्रत रखेंगे पूजा नहीं करेंगे, गर्भवती स्त्रियां पूजा जरूर करेंगी और व्रत भी रखेंगी। आप कुछ खाते पीते रख सकते हैं, क्या कार्य बिल्कुल भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए सारा पूजन बता रही हूँ, एक और वीडियो दूंगी उसमें सारी अदर जानकारी दे दूंगी। तो आपको गर्भवती महिलाओं को तो व्रत जरूर रखना चाहिए, माँ अहोई से प्रार्थना करनी चाहिए कि सुख पूर्वक जो बच्चा है वो इस संसार में आए, बुद्धिवान हो, भाग्यवान हो और बलशाली हो, इस तरह की प्रार्थना करेंगे और व्रत जरूर रखेंगे।
अब बात ये हो गई सुबह की पूजा की बात हो गई। आपको काटना छाटना नहीं होता, सब अच्छी तरह जानते हैं। जब तारों का मैंने शुभ मुहूर्त बताया, तारे निकलेंगे और आप कथा करने बैठेंगे, बच्चों को साथ में जरूर लेकर बैठिएगा। सिंघाड़े भी चढ़ाए जाते हैं, सिंघाड़े चढ़े, ये पूरे बनते हैं, पकवान बनते हैं, सात्विक रूप से बनाइए। जो भी बनाइए सात्विक रूप से बनाइए, प्याज लहसुन का प्रयोग भूलकर भी मत करिएगा। उसके बाद जब आप ये सारा कार्य कर लेंगी, जब आप कथा कहती हैं, तो सत नजा, देखिए बोलू तो जहां से आप साबुत अनाज लाते हो, सामान लाते हो, वहां पे सत नजा आप बोलोगे तो सात प्रकार का अनाज रखा रहता है उनके पास, वो देते हैं। एक मुट्ठी सात प्रकार का अनाज लेकर गोदी में रखिएगा, कुछ पूड़े रखिएगा, आठ पूड़े रखते हैं हमारे यहाँ, आठ पूड़े गोदी में लेकर और सात प्रकार का अनाज गोदी में लेकर कथा कहनी चाहिए। छोटा बच्चा हो तो उसे गोदी में जरूर लेकर कथा कहनी चाहिए, बच्चे बड़े हों तो उन्हें पास बैठाकर कथा कहनी चाहिए, बच्चे दूर रहते हो तो उन्हें वीडियो कॉल में साथ लेकर कथा कहनी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ये बच्चों का ही व्रत है। अगर बच्चे उस कथा को सुनते हैं और बच्चे आपके साथ कथा में शामिल होते हैं तो वो बच्चों के लिए भी बहुत उत्तम होता है, आपके लिए भी। वो कहते हैं कि अहोई माता की कृपा उन बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहती है। तो इस तरह से आप इस कार्य को कर सकते हैं। बच्चे दूर हो तो भी माँ तो व्रत रखती रहती है, ठीक है, उनके निमित्त जो उपाय बताऊंगी वो भी जरूर कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला कार्य आप करिए, उन्हें वीडियो कॉल में लेकर मोबाइल रख लीजिएगा और आप फिर कथा कहिएगा, उनका उनका नाम ले लेकर आप पूजा करते रहिएगा, प्रसाद चढ़ाते रहिएगा। जो आपने गोदी में आठ पूड़े लिए हैं और आपने सतनजा लिया है, वो उस दिन या अगले दिन गाय को खिलाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना, जैसे आठ पूड़े हैं, सतनजा तो सारा गाय को जाएगा, पूड़े आठ हैं तो उसमें से एक या दो पूड़े आप ले लेंगे अहोई माता का प्रसाद समझकर, वो आप खाए, स्वयं भी खाए, बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन बाकी के पूड़े और अनाज जो है वो गाय माता को ही खिला दीजिएगा, जरूर खिला दीजिएगा। सतनजे का जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि आपको करना चाहिए, इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, बच्चे कामयाब होते हैं, चारों दिशाओं से उन्हें सफलता मिलती है, बच्चे संस्कारी होते हैं, बच्चों के ऊपर माता की कृपा बनी रहती है, बच्चे जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए सतनजे का उपाय आपको करना चाहिए। अब बात आती है उसके बाद आपको चंद्रमा को, सॉरी तारों को अर्घ देना चाहिए। जिनके यहाँ चंद्रमा की होती है वो चंद्रमा को देंगे, जिनके यहाँ तारों की होती है वो तारों को देंगे, जिनके यहाँ सूरज की होती है वो तो सुबह ही दे देंगे। उसके पश्चात आप सबसे पहले जो आपकी गोदी में पूड़ा था उससे आप अपने बच्चे को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे और फिर उसके बाद आप जो है आगे अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जो भी आपने भोजन बनाया है। जब पूजा करेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लिया, कथा कर ली, वो तो सारी विधि आपको मालूम ही है तो नहीं बता रही हूँ सरल विधि से, बस यह है कि यह आपने कथा करने के लिए तो दीपक आपने प्रज्वलित किया, बच्चे बैठाए, जो आपने माता रानी को पूड़े प्रसाद बनाया वो माता रानी को अर्पित किया, अगले दिन जो आपने साबुत अनाज चढ़ाया है, सिंघाड़े चढ़ाए हैं, मूली चढ़ाई है, या जो भी कुछ माता को चढ़ाया जाता है वो गाय को ही खिलाया जाता है, अगले दिन वो गाय को ही खिलाया जाता है, जो आपने गोदी में लिया वो भी गाय को खिलाइएगा। तो इस प्रकार सरलतम रूप से आप अहोई अष्टमी की पूजा करिएगा। आपकी बेटी है तो भी जरूर कीजिएगा, बेटे हैं तो भी जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं है तो भी जरूर कीजिएगा। और जो मैंने ये बताया है आपको, स्याऊ की जो माला बनती है, चांदी के मोती डलते हैं, वो जब आप कहानी कहेंगी, पहले सुबह ही आपने जेगड़ को पहना दी, कहानी कहने के बाद पूजा के बाद उसे आप अपने गले में धारण कर लेंगी। हमारे यहाँ तो गले में धारण करते हैं, आप क्या करते हैं कि नहीं मालूम है, गले में धारण कर लेते हैं फिर उसको बढ़ा देते हैं। कुछ लोग तो दिवाली तक पहन के रखते हैं, कुछ लोग दिवाली से पहले उसको संभाल के मंदिर में माता के ही रख देते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो वो ऐसा कर लीजिएगा। अगर आपने कैलेंडर लगाया, कागज का कैलेंडर आप हर बार लगाते हैं, तो मैं आपको हमेशा सलाह देती हूँ कि हर बार कागज का कैलेंडर मत लीजिए, अहोई माता की मंडवा के तस्वीर लाइए और हर बार गंगा जल छिड़क के स्वच्छ करके उसी से पूजा कीजिए। क्या होता है ना, हम करवा चौथ का कैलेंडर लगाते हैं, हम अहोई का कैलेंडर लगाते हैं, बाद में हम उसका क्या करते हैं, वो इधर उधर पड़ा रहता है, फिर वो थोड़ा फट जाता है, फिर हम उसका विसर्जन करते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस माता की पूजा करके हम बच्चों की कामयाबी, बच्चों की खुशहाली, बच्चों की दीर्घायु मांगते हैं, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं, उस माता का कैलेंडर फटा होने के कारण हम उसे विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसे कार्य मत करिएगा। मेरा तो यही मानना है कि जितना ज्यादा पुराना होता है, जैसे हम लोगों ने कराया, लगभग मुझे 20 साल तो हो गए हैं उसको पूजा करते करते, आप सोचो वो कितना पवित्र, कितना पूजनीय, कितना दिव्य और कितना प्रभावशाली हो गया है जिसकी पूजा हम 20 सालों से कर रहे हैं। तो इस भाव को आप समझते हुए अपने घर में इस तरह की व्यवस्था बनाइए, धीरे धीरे होई का कैलेंडर और करवा चौथ का कैलेंडर ना लेके उसकी तस्वीरें बनवानी शुरू करिए और वो संभाल के रखिए, शीशे में बनवाइए, जिसमें भी बनवा सकते हैं उसमें बनवाइए। तो मैं समझती हूँ होई से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। शुभ रंग के आप वस्त्र पहनेंगे ही पहनेंगे, क्या करें क्या ना करें, और एक जबरदस्त वाला महा उपाय लौंग का बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो पर नजर रखिएगा। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए।
आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित हो। कि मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिए। माता रानी आप पर कृपा करें।